हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कविता ओझा, वास्तु एक्सपर्ट। वेलकम टू वास्तु बाय housing.com। हमारा घर और हमारी बॉडी दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। जो एनर्जी हमारे घर पे फ्लो करती है, वही हमारे बॉडी में भी फ्लो करती है। कई बार कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो वास्तु दोष क्रिएट करती हैं, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इम्यूनिटी पे, हमारे हेल्थ पे। फैमिली में लोग बीमार पड़ने लगते हैं या फिर रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। तो आज बात करते हैं हमारे हेल्थ वास्तु पे। हेल्थ एंड इम्यूनिटी के लिए जो डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो हमारे घर की नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमेशा क्लटर फ्री रहनी चाहिए। यहाँ बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए और ये डायरेक्शन हैवी नहीं होना चाहिए। यहाँ टॉयलेट या एंटी कलर्स भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अगर आपके घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है तो वह आपकी हेल्थ एंड इम्यूनिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अगर इस डायरेक्शन में टॉयलेट आ गया तो डे बाय डे आपको हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे, इम्यूनिटी आपकी काम नहीं करेगी, और घर के किसी बड़े मेंबर को भी मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकता है। तो यहाँ का टॉयलेट अवॉइड करें। इफ नॉट पॉसिबल देन अपने टॉयलेट सीट के चारों तरफ ब्लू कलर की टेप लगा दें, बट अवॉइड करें यहाँ पे टॉयलेट का होना। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को, और अगर इस डायरेक्शन में फायर एलिमेंट आ जाए तो वो भी अच्छा नहीं होता। वाटर और फायर एक दूसरे के एंटी वर्क करते हैं, तो यहाँ पे फायर एलिमेंट यानी रेड कलर या फिर रेड इंटीरियर या फिर ट्राइंगल शेप किसी भी तरीके से आ जाए तो वो अच्छा नहीं होता। साथ ही इस डायरेक्शन में अगर किचन गैस स्टोव या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ जाए तो वो भी वर्क नहीं करता। ये भी फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करती है, तो इसके आने से कन्फ्लिक्ट होती है लाइफ में, हेल्थ में इश्यूज आने लगते हैं, इम्यूनिटी खराब हो जाती है। तो यहाँ ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर येलो कलर आ जाए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो वो भी अच्छा नहीं होता। येलो कलर रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को, जो कि चीज़ों को स्टक कर देती है, ब्लॉकेजेस देती है। तो यहाँ येलो कलर किसी भी फॉर्म में आ जाए, चाहे वो इंटीरियर हो या फिर वॉल कलर्स हो या फिर स्क्वायर शेप पैटर्न हो, वो भी यहाँ आना हेल्थ इश्यूज देता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्टोर रूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बीमारियों को बढ़ा देता है, और अगर कोई बीमार है तो रिकवरी जल्दी नहीं होती। साथ ही इस डायरेक्शन में डस्टबिन या कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसकी एनर्जी से भी हेल्थ इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आइडियली बेडरूम नहीं होना चाहिए, लेकिन जिनको हेल्थ इश्यूज है, जो लोग बीमार हैं, अगर उनको इस डायरेक्शन में सुलाते हैं तो उनकी रिकवरी फास्ट होती है। साथ ही घर के बुजुर्ग और बच्चों के लिए ये डायरेक्शन अच्छी है। अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को यूज करें अपनी मेडिसिन रखने के लिए और मेडिकल रिपोर्ट रखने के लिए, वो भी किसी बॉक्स या कैबिनेट के अंदर। अपनी मेडिसिन को कभी भी खुले में ना रखें। और इसी डायरेक्शन में अगर आप सिल्वर की ग्लास में पानी रखते हैं और रोज पीते हैं तो आपकी हीलिंग होती रहेगी, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है हीलिंग रिसोर्स की भी। दूसरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट। इस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है डिस्पोज ऑफ, मतलब जो भी चीज़ हमारे काम की नहीं है उसको हटा देना। हेल्थ के लिए इस डायरेक्शन को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो अगर इस डायरेक्शन में हमारे घर में टॉयलेट है तो ये बेस्ट डायरेक्शन है टॉयलेट की। तो जो भी चीज़ें हमारे यूज़ की नहीं हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए प्रॉब्लम कर रही है, वो उसे डिस्पोज ऑफ कर देगी। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप फूड आइटम रखते हैं तो बिल्कुल ना रखें, इससे आपको फूड एलर्जीज होना स्टार्ट हो जाती है, लाइक लैक्टो इंटॉलरेंस या फिर ग्लूटेन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे फूड आइटम रखना अवॉइड करें। अगर आपका बेडरूम आपके घर के साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे, हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो यहाँ बेडरूम होना अवॉइड करें। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपनी मेडिसिन या मेडिकल रिपोर्ट भी बिल्कुल ना रखें। अगर आपके घर के साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपनी मेडिसिन या मेडिकल रिपोर्ट रखते हैं तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। आपके मेडिसिन आपको फ़ायदा नहीं देंगी और साथ ही आपकी रिकवरी बहुत ही स्लो हो जाएगी, आपकी हेल्थ डे बाय डे खराब होने लगेगी। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु, हमारे घर का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी हेल्थ के लिए। इनका बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ अच्छा तो सब अच्छा। This is Dr. Kavita Ojha signing off. Please follow Mastishka by Kavita Ojha on Instagram. Please like, share and subscribe to our YouTube channel.